पैदा ही नहीं। अब आते हैं सेकंड में, सेकंड बैंक जो है वो सिविलियन आबादी से अच्छे जागरूक आदमी को छाट के तैयार किया जाता है। इसलिए जिलाधिकारी आपके क्या होते हैं, नियंत्रक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है जिले में, हर जिले में सिविल डिफेंस का जो कंट्रोलर होता है, मेन अधिकारी जो होता है वो जिलाधिकारी ही होते हैं और जिलाधिकारी ही आपकी नियुक्ति करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से है। MIG 48 गंगागंज कॉलोनी भाग 4 पनकी कानपुर नगर में नागरिक सुरक्षा कोर के द्वारा पनकी प्रखंड पोस्ट संख्या 9 में आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का प्रथम दिवस आयोजन का शुभारंभ किया गया, जिसमें पनकी प्रखंड के सहायक उप नियंत्रक विमलेश कुमार यादव के द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण कराया गया। पनकी प्रखंड के परिचित अपरिचित वार्डों को ट्रेनिंग दी गई। अगले 18 मार्च 2024 दिन सोमवार को आधारभूत प्रशिक्षण शिविर का समापन किया जाएगा, जिसमें शिविर में अग्निशमन संबंधित आग से बचाव जागरूकता अभियान, फर्स्ट एड, मेडिकल और आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। आज प्रथम दिवस मुख्य रूप से सहायक उप नियंत्रक विमलेश कुमार यादव, स्टाफ ऑफिसर कैप मोहम्मद खान ने बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी। आयोजक पोस्ट संख्या 9 के पोस्ट वार्डन विजय रावत, संतोष वाजपेयी, प्राजुल दुबे, चरणजीत भाटिया के सहयोग रहा, ऑन वार्डन हृदय शंकर, रवि शर्मा व समस्त वार्डनों का सहयोग रहा। तो ये दोनों शब्दों से मिलता है। अब आप समझिएगा कि सिविल डिफेंस जो है लोगों से मिलके ही बना है। कौन लोग? सिविल, जो सिविलियन आबादी है ना, आप भी सिविलियन है। अब ये है कि आम आबादी से आप अलग इसलिए हैं कि हर आबादी को तो सिविल डिफेंस में नहीं शामिल किया जा सकता है। एक एक आदमी को, कुछ खास आदमियों को हमने सिविल डिफेंस में भर्ती किया। DM साहब जो है उनको पुलिस जांच करेंगे, करवाएंगे जो LIU जांच है, और DM साहब के द्वारा नियुक्ति होती है आपकी। तो आप वार्डन कहे जाते हैं। वार्डन का मतलब होता है प्रहरी, प्रहरी का मतलब सजग व्यक्ति, सजग, और वो दिमाग से भी सजग है, फिजिकली भी सजग है, नॉलेज उसका बढ़िया है और दूरदर्शी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी देख रहा है, वो आगे का भी देख रहा है कि ये घटना घटेगी तो इसके क्या रिजल्ट आएंगे, यहाँ झगड़ा हो जाएगा तो क्या सोसाइटी में जो है असर पड़ेगा। तो सिविल डिफेंस वार्डन है। वार्डन शब्द अपने में ही बहुत बड़ा शब्द है, इकट्ठा जो है शॉर्ट फॉर्म है, जैसे पुलिस होती है POLICE, तो उसमें एक एक वर्ड POLICE है ना, OPDM, वो ऐसे ही मतलब हर जो अक्षर है उसका एक मीनिंग है, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे वार्डन का भी है WARDEN। अब यहाँ पे W जो है नहीं, भाई सेवा कौन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।